महामारी आती है, तो किसान त्रस्त, बिचौलिए मस्त और जनता परेशान और हैरान रहती है। आज भी स्थितियां कुछ इसी तरह हैं कि जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोर हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे समय में तो अपनी लाटरी खुली मान लेते हैं और हर चीज का जो दाम है वो आप देखेंगे लगातार फिर ऐसे में बढ़ता चला जाता है। ये जरूर है कि अब की बार पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी आई है, इसने जरूर, मैं कहूंगा, हर किसी को परेशान हैरान कर रखा है। कैसे देखते हैं आप इस बढ़ती हुई महंगाई को और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्योंकि आप किसान संघ से हैं, किसानों की बातों को ज्यादा अच्छे से आप रख पाएंगे। जी 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 बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक्चुअल में किसानों को इसका दंश हमेशा, जब भी किसान की क्रॉप आती है, किसान को उसके कम भाव मिलने के कारण किसानों को इसका दंश झेलना पड़ता है। और निश्चित रूप से जब फसल पूरी तरह से किसान के हाथ से निकल जाती है तो वैसी की वैसी स्थिति उपभोक्ता की भी होती है। तो इसमें केवल जमाखोर और केवल जो मिलावटखोर है ये लोग जिम्मेदार जितने हैं, उतना का उतना जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकार की कृषि को लेकर के जो नीतियां हैं, क्योंकि अभी तक अभी इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के पास में ऐसे रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं है जो निश्चित तौर पर ये कह सके कितने खाद्यान्न की आवश्यकता और कितना खाद्यान्न यहाँ पर सोइंग हो रहा है, कितना उत्पादन होगा। उस कारण से जब फसल की बुआई होती है तब से लेकर के बाजार में आने तक ये पूरा का पूरा विपणन चयन है वो एक चरमरा जाती है। भंडारण की व्यवस्था भी इसमें बड़ी जिम्मेदार है। अभी जैसे हाल ही का जो प्याज का मैटर है, जो राजस्थान के अंदर देश भर के जो टोटल 2.5 लाख करोड़ के लगभग जो प्याज का उत्पादन होता है उसमें से 5% राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान जोधपुर और सीकर जिले से आता है, तो यहाँ पर 40 से 50% प्याज है वो खेतों में ही खराब हो जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है, जो बाजार तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में 4 रुपये किलो जो प्याज हमारा बिका था अप्रैल मई में, वो आज 60 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन किसान को उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि किसानों के खेतों में अभी कोई प्याज नहीं है। निश्चित रूप से जो अगर इस समय किसी ने भंडारण किया, पक्के जिसके भंडार घरे बना रखे या जो व्यापारी है जिनके पास इसकी सुविधा है वो प्याज को लेकर के रखे हुए, किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा और उपभोक्ताओं को दुगने चौगुने दामों पर प्याज खरीदना पड़ रहा है। अगर इसकी विपणन चयन सही रहे और किसानों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट हो, किसानों को भंडारण की व्यवस्था मिले और एक निश्चित गाइडेंस किसानों को मिले कि कौन सी फसल की कब आवश्यकता रहेगी और किस मात्रा में रहेगी, तो निश्चित रूप से किसान उसके हिसाब से अपनी सोइंग करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं की भी जो स्थिति आ जा रही ऐसी स्थिति भंडारण की। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह आप बता रहे हैं, क्योंकि भंडारण ना होना ये अपने आप में बड़ा एक अहम बात है। हर बात की एक बात है कि जो सामान है उस सामान के लिए कहीं भी ऐसी स्थितियां नहीं होती कि जो आम किसान है, अगर किसी के पास 10 बीघे खेती है और वो छोटा, मैं कहूंगा, एक किसान है और वो कुछ उपज भी कर रहा है तो उसके सामने समस्या रहती है कि उसके पास भंडारण की जो कैपेसिटी है वो है ही नहीं। ऐसे में या तो उसका सामान सड़ जाता है और या फिर बिचौलिए जो होते हैं वो कम दाम में लेकर उसको स्टोर कर लेते हैं। ये सबसे अहम बात है और हमेशा से यही चलता आ रहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है सुजाता पाल जी, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा प्रभावित होती है इस चीज से, क्योंकि किचन के अंदर तो उसी ने रहना है, सब कुछ करना उसी ने। कैसे देखती हैं आप इस महंगाई को और वर्तमान में कितना असर कोरोना का आप इसमें देखती हैं कि कोरोना को लेकर वास्तविकता यही है कि आज हर कोई परेशान है। जी सुजाता जी, देखिए जहां तक कोरोना काल की बात है तो पूरी दुनिया में ही ये मुश्किल आई है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में आई है। लेकिन भारत का अगर आप प्रोजेक्शन देखें जीडीपी का क्राइसिल के अनुसार, तो मीडियम टर्म में ये कहा गया है कि भारत में 13% की स्थायी जो गिरावट आएगी वो होगी, जबकि बाकी एशिया पैसिफिक के जो देश हैं वहां पे केवल 3% की परमानेंट गिरावट होगी। तो इसका मतलब है कि सरकार को कुछ कदम ऐसे उठाने की जरूरत है ताकि ये मुश्किलें हमारे सामने ना आए। अब आप देखिए जहां तक भारतीय किसान संघ की बात है, मैं भारतीय किसान यूनियन की बात करूंगी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने संग्रहण पे जो ऑर्डिनेंस के तहत चेंजेस लाए गए हैं सरकार के द्वारा, उसके विरोध में अपनी आवाज उठाई है। जिस प्रकार से मार्केट को सरकार कह रही है कि खोल दे रहे हैं, वहां पे कोई भी बिक्री कर सकता है, कैसे भी बिक्री कर सकता है, ये
एक्चुअली में जो हो रहा है वो किसान विरोधी है, क्योंकि ये बड़े व्यापारी के लिए हो रहा है। तो संग्रहण की जो बात आप कर रहे हैं ना, अब संग्रहण जो है ये लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि इस अध्यादेश से जो कानून लाया गया और अब तो जो मानसून सत्र लाया है चल रहा है उसमें पेश भी किया गया है, इससे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है, इनडायरेक्टली जो आम जन है उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है। जब हमारे किसान सड़कों पे आ गए और उन्होंने विरोध किया पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसके, इन तीनों जो अध्यादेश लाए गए उनके, तो क्या सरकार को आवश्यकता नहीं थी कि वे किसानों से बात करते? किसानों के विरोध में काम करेंगे तो जन विरोधी हो जाएगा इनका हर कार्य, और दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे आप? और दूसरी तरफ कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए हैं, और कोरोना काल में बेरोजगार नहीं हुए हैं, बेरोजगारी 45 साल की सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई थी कोरोना काल के पहले, मतलब पिछले साल के पिछले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में। तो आप मुझे बताइए कि जब लोगों की अब नौकरियां चली गई, जी बेरोजगारी की बात तो हमेशा से होती रही है और लगातार हर सरकार यही कहती रही है कि बेरोजगारी नहीं है और हम कुछ नया करेंगे, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो उस बेरोजगारी को दूर कर पाई हो। वर्तमान के हालात जरूर इतर है क्योंकि वर्तमान में कोरोना को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है। ऐसे में सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं यही होनी चाहिए कि पहले जान बचाई जाए, और उसमें जरूर सबको उसका सहयोग भी करना चाहिए। हमारे साथ सपा नेता है तारिक जी। तारिक भाई, अगर देखें प्याज टमाटर, प्याज तो 70 के दशक से रुला रही है, और उसमें कोई ये कहे कि आज ही इसकी स्थिति ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। हमेशा से प्याज तो सरकारें तक लेके चली गई, हर स्थिति में प्याज टमाटर, जबकि ऐसा नहीं है जैसे अभी हमारे तुलसीराम जी ने बताया कि सड़ जाती हैं खेतों में, लेने वाला कोई नहीं होता। ऐसे टमाटर का भी हाल है, बहुत बार देखा है हमने, फेंकने पड़ते हैं टमाटरों को भी सड़कों के ऊपर। फिर ऐसा क्या है कि अचानक से इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि जो किसान है जो उगा रहा है उसे तो उसका जो रेट है, जो मार्केट रेट है वो तो छोड़ दो, उसे उसकी मेहनत का जो रेट है वो भी नहीं मिलता, और हम हर चीज की उंगली सरकारों की तरफ उठाते हैं। आखिर जिम्मेदार इसमें कौन लोग हैं, किन्हें आप किन लोगों को इसमें देखते हैं कि इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा माफिया वर्ग जुड़ा हुआ है? जी तारिक जी, देखिए माफिया तो नहीं कहेंगे, जो किसानों से 8 आना 10 पैसा 1 रुपया 2 रुपया किलो प्याज आलू टमाटर खरीद लेते हैं और उसका स्टॉक करते हैं, और फिर जब मुनाफे का टाइम आता है और चीजें मार्केट में उछाल होती है तो तब जाके वो उसको मार्केट में निकालते हैं बढ़े हुए दामों में। जैसे मार्केट में इस समय 70 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, आप अभी यहाँ लखनऊ शहर के मंडी में चले जाइए तो मंडी में 50 रुपए किलो मिल रहा है, तो मंडी से निकलकर लखनऊ शहर में डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो सरकार को कुछ देखना पड़ेगा। अब 50 रुपए मिल रहा है तो इसका मतलब कि वहां से वो 25 रुपए में कहीं से आ रहा होगा और उन्होंने 2 रुपए में खरीदा होगा। तो ये जो बिचौलिए हैं, सरकार को इसमें ये करना चाहिए कि कुछ केंद्र ऐसे स्थापित करे, कुछ अपने कोल्ड स्टोरेज ऐसे बनाए जिसमें उन सब चीजों को वो रोक सके, उनको अपहेल कर सके, ताकि कभी ऐसी मामले आए तो वो उन जगह से सप्लाई चालू कर सके। जैसे आज कहा जा रहा है कि आवक कम है, आवक इसीलिए कम है क्योंकि उन लोगों ने होल्डअप कर दिया है जिसका नाम है बिचौलिए, और ये सब ज्यादातर बिचौलिए जो है वो बीजेपी से संबंधित है, कुछ बहुत बिचौलिए कांग्रेस से भी है, कुछ बहुत बिचौलिए समाजवादी से, हर पार्टी में है वो, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ बिचौलिए है जो मेन मुनाफाखोरी कमाते हैं वो जो है वो बड़े बड़े बिचौलिए हैं जो डायरेक्ट किसान से खरीद के और उसका स्टॉक करके महंगे दामों बेचते हैं, जिसको कहते हैं ब्लैकमेलर्स। ये जनता को ब्लैकमेल करते हैं, उसका भूख और प्यास का हिसाब लेते हैं, उस पर 1-1 रुपये कमाते हैं। तो ये तो सरकार को अपना कदम उठाना पड़ेगा, ये ना हम कर सकते हैं ना कोई कर सकता है, ये तो बीजेपी, हम कहेंगे कि मेन अगर बीजेपी हर चीज में सख्त हो रही है तो इसमें भी सख्त होना, आप सिर्फ मकान तोड़ने के लिए और दुकान तोड़ने के लिए नहीं है, आपको जनता को सहूलियत देनी है। कर रही कोरोना काल की बात तो सरकार का काम यही है कि कभी कोई ऐसी आपदा आए तो उन आपदाओं में सरकार को कैसे नियंत्रण करना चाहिए,
वो काम होता है सरकार का, और सरकार उसमें भी फेल हो रही है, कहाँ कंट्रोल कर पा रहे। अब इसी कोरोना काल में, इसमें कोविड में ले लीजिए, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम दुनिया के देशों में 22 रुपए, 23 रुपए, 36 रुपए लीटर चल रहा है, और हमारे वहां 80, 86, 82, ये क्या है। तो ये सरकार तो इस मसले में फेलियर है, सरकार हर चीज में फेलियर हो रही है, लेकिन इस मसले में ज्यादा फेलियर हो गई। इन्होंने महंगाई खुद बढ़ा दी, इन्होंने का वन सिस्टम, टैक्स सिस्टम लागू करेंगे, इन्होंने देखिए स्लैब बना दिए, ये खुद जीएसटी के खिलाफ थे, कह रहे थे जीएसटी जो है इस देश को तोड़ देगी, इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया, इन्होंने कहा एफडीआई बहुत खराब चीज है, देश बर्बाद हो जाएगा, इन्होंने कई चीजों में 100% एफडीआई कर दिया। मतलब आप क्या करना चाहते हो, क्या दिखा रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता रहता है। तो कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा, और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये सरकारें कुछ कर पाएंगी। ये टोटल सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं, एकदम आजाद है हर कोई। रघुनंदन भदौरिया जी, कैसे देखते हैं आप इस महंगाई को, और क्या करना चाहिए वर्तमान में, क्योंकि महंगाई की स्थिति आपके भी सामने है, लगातार चाहे प्याज है, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, वर्तमान की जो स्थिति है उस पर गौर करना होगा, क्योंकि जो आम आदमी है वो तो पहले से ही इतना ज्यादा डरा हुआ है, परेशान है, क्योंकि कोरोना ने उसे घर में रहने को मजबूर कर दिया है। जी भदौरिया जी, रघुनंदन भदौरिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ किसान नेता हैं तुलछाराम सिंवर जी। जी तुलछाराम जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी महंगाई जिस तरह से बात हो रही है, क्योंकि सवाल उठा देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बात समाधान पे नहीं होती, दिक्कत यहां होती है, क्योंकि हमेशा राजनीति हर चीज में घुस जाती है। दिक्कत पूरे देश में एक है कि समाधान के ऊपर बात करने का जब समय आता है तो हर कोई सवाल लेके समाधान करने की कोशिश करता है, जबकि समाधान क्या होना चाहिए इस पर बात कम होती है। कैसे देखते हैं आप इस महंगाई को, और महंगाई को क्या, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सारा दोष सरकारें कोई भी है सरकारों का है, उसमें जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं, क्या सारी चीज सरकार ही करेंगी? जी तुलछाराम सिंवर जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं कि केवल केवल और केवल सरकार की सारी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे सरकार है, चाहे वो जो बॉडी है एपीएमसी, जो मंडियां हैं, जो बीच की बॉडीज है, वो सारी इसके लिए जिम्मेदार है, और सबको मिल करके ही इसके काम करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। अभी जैसा कि भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ढांचागत विकास के लिए जो फंड दिया है, अगर उसका क्रियान्वित सही ढंग से हो, नीचे स्तर तक इसकी किसानों को लाभ मिले, भंडारण की व्यवस्था हो, खेत में प्रोसेसिंग यूनिट लगे, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले तो कम से कम ये करना बहुत आवश्यक होगा कि देश के अंदर कहीं एक रियल टाइम डाटा जो है वो वास्तविक डाटा कहीं जनरेट हो, जिससे जो उत्पादन की है वास्तविकता पता लगे, उसकी खपत की वास्तविकता पता लगे, जिसमें एंड टाइम पर जब उसकी डिमांड बहुत रह जाती है और फसल का जो आवक है वो बहुत खत्म हो जाती है, तो एकदम से भाव बहुत बढ़ जाते हैं, और जब सरकार उसको नियंत्रण करने का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से भाव वापस इतने डाउन हो जाते हैं कि किसानों को अगली फसल तक उसके भाव मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अभी जैसे प्याज है, तो प्याज के निर्यात पर रोक लगाना कोई एक समाधान नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कुछ ही 10% किसानों के पास भी अगर फसल बची हुई है, किसी तरह से उन्होंने जतन करके अपना खर्चा करके रोकी हुई है, तो उनको भाव नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में इसका विपणन जो सिस्टम है उसको सुधारने की आवश्यकता, एयरपोर्ट के नजदीक कोल्ड स्टोरेज चैन बनाई जाए, और जहां फसलों की सब्जियों की जहां उत्पादन नहीं हो सकता वहां पहुंचाने की व्यवस्था समुचित की जाए, और जो हर कस्बा है वहां पर जैसे अभी कोरोना काल के दौरान पूरी तरह से विपणन चैन जब फेल हो गई थी, तो कुछ किसानों ने इनोवेटिव लेते हुए कुछ ऐसे चैनल्स बनाए थे, कुछ जो ई माध्यम से जो पोर्टल बना करके उन्होंने जो विपणन घर घर जाकर के सब्जियां पहुंचाई थी, तो इस तरह की कुछ चैनल बन सकते हैं जिसके समाधान ये हो सकता है कि वह स्थानीय स्तर पर किसान को भी उसका अच्छा मूल्य मिले और उपभोक्ता को भी ताजी सब्जी और समुचित भाव पर मिल सके। तो इसके लिए कई प्रयास करने की आवश्यकता है, और ये प्रयास अभी जो सरकार ने आत्मनिर्भर जो पैकेज घोषित किया वो अगर वास्तव में क्रियान्वित होता है तो निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो प्रयास सशक्त और जो सीधे प्रयास है, किसानों को सीधा उपभोक्ता से कैसे जोड़ा जाए, ये सबसे एक इसमें अहम बात है और हमेशा से इसी बात के लिए संघर्ष हुए हैं। जाइएगा नहीं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई पर। बहुत सारे हम कहेंगे बाजार में बातें चल रही हैं, हायर महंगाई मार डाला, महंगाई ने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आखिर क्यों महंगाई बढ़ रही है और ऐसा क्या होता है कि हर बार महंगाई, खासकर जो सब्जियां हैं बाजार के अंदर, अगर प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, हरी सब्जियों की भी बात करें, लगातार उस पर भी महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी पर आज की चर्चा, और हमारे साथ खास मेहमान सब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, रघुनंदन भदौरिया जी। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह की बातें होती हैं कि काला बाजारी पर बहुत ही ठोस कानून है, लेकिन क्या काला बाजारी रुक पाती है? उसके अलावा अगर दूसरी बात करें, जिस तरह नई शिक्षा नीति आई है, तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि नई कोई किसान नीति भी आनी चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान के जो हालात हैं वो एक सवाल सबसे जो सबसे बड़ा है और हमेशा खड़ा रहता है कि किसान को उसकी उपज, उसकी मेहनत के हिसाब से उसका फल नहीं मिलता, कहीं ना कहीं बिचौलिए हावी रहते हैं। जी रघुनंदन सिंह भदौरिया जी। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज का दिन एक बड़ा अच्छा दिन है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने देश में नहीं विश्व में अपने कार्य को दिखाकर यह दिखा दिया भारत का प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों के बीच का है, 135 करोड़ लोगों की सुनता। जी रघुनंदन जी, मुझे लग रहा फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है। रघुनंदन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संपर्क प्रधानमंत्री साथ सुजाता पॉल भी हैं, मैं उनसे इसी सवाल के साथ आऊंगा कि जिस तरह काला बाजारी पर लगातार कड़े कानून बने हुए हैं, उसके बाद भी काला बाजारी नहीं रुकती और लगातार काला बाजारी होती है, जिसके कारण ये दाम जो हैं घटते और बढ़ते रहते हैं। आप देखें सुजाता जी, कहीं ना कहीं हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि जो मुनाफाखोरी है, आखिर उसके ऊपर भी एक सर्वे होना चाहिए, जिससे पता लग सके कि वास्तविकता क्या है। आखिर किसान तो आज भी परेशान है और वो तब भी परेशान था, उसके पीछे के कारण क्या हैं, और जो बिचौलिए हैं वो हमेशा हमेशा मस्त रहते हैं। जी सुजाता जी, बिचौलिए मस्त रहते हैं या नहीं, मगर अब जो बिचौलिया आने वाला है वो बड़ा व्यापारी है, और जो मुनाफाखोरी है वो बहुत ही दूसरे लेवल पे जाने वाला है, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। आपने बात करी कि हम दोष सरकारों को देते हैं, समाधान नहीं ढूंढते। दोष सरकारों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? सरकार को हम टैक्स देते हैं और हम एक कल्याणकारी राज्य है, तो अगर कल्याणकारी राज्य है तो गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसको मुसीबत ना हो, उसके पास खाना पहुंचे, अनाज पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी हम जो टैक्स देते हैं वो सरकार को ये
जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। जब हम देख रहे हैं कि कोरोना काल है और इस वक्त स्थिति और खराब हो गई है, तो आप मुझे बताइए ऐसे समय पे इन तीन अध्यादेशों की क्या आवश्यकता थी? ये सरकार विरोधी है। आप देखिए कि डीजल जो है वो पेट्रोल के पार हो गया, क्या वो जनता ने किया कि इसका सवाल किससे पूछे, इसका समाधान हम आम जनता कैसे निकालेंगे? सरकार को निकालेंगे। सुजाता जी, ये हमेशा से चलता आ रहा है, कोई एक ही सरकारों की बात कोई है? हम ये कह रहे हैं कि सरकारें कोई भी रही हो, स्थिति ऐसी रही है हमेशा, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। जी नहीं नहीं तो इसे जी जी मैं यही कह रही हूँ, अगर ऐसा है भी, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ। आज हमारे आजादी को बहुत साल हो चुके हैं, हम बहुत आगे आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे हैं, लेकिन हर सरकार को लोगों के बारे में सोचकर नीतियां बनाने की आवश्यकता होती है। आज कोरोना काल में जो मुश्किल है, एक तरफ आप जमाखोरी जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, पेट्रोल डीजल के दाम और डीजल की गाड़ियों से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और आप मुझे बताइए कि डीजल के दाम जो है जिस प्रकार से पेट्रोल के पार कर गए, क्या वो होने चाहिए थे? क्या ये कंट्रोल सरकार को नहीं करना पड़ेगा? अब जहां तक बात आती है कि जो ग्रामीण इलाकों में, मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 2-3 महीने का आंकड़ा है कि 22.5% से 10.5% जो था, मतलब 10.5% था और 22.5% हो गया। कितना बढ़ गया? ये ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास काम नहीं है, तो अगर ऐसा है तो किसानों के पास जाना पड़ेगा सरकार को, उनको जो है अच्छे से अच्छी जो सीड्स होते हैं उनको उपलब्ध कराने पड़ेंगे ताकि वे बेहतर तरीके से किसानी करें। देखिए जब जीडीपी गिरा, आप जानते हैं 3% की जीडीपी जो है वो बढ़ी हुई मिली हमें, किसकी वजह से? अन्नदाता की वजह से। और अन्नदाता पे हम आज सवाल उठा रहे हैं, हमें, हम तो अपने अन्नदाता के साथ हैं, मगर अगर अन्नदाता सड़कों पे आ गया है तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर है। तो सरकार का काम होता है सामंजस्य बनाना और ये देखना कि किस प्रकार से हमारे किसान क्या कह रहे हैं। आप जो बिचौलियों की बात कर रहे हैं, वो बिचौलियों की आप बात कर रहे हैं, आप उनकी भी बात कर लीजिए, जो 70% किसान है जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वो इस वक्त डरा हुआ है कि सरकार जो अध्यादेश लाई है उससे अब ये बड़ा व्यापारी आ जाएगा। आप इन चीजों को भी तो देखिए, अगर आज ये महंगाई इतनी ज्यादा हुई है तो हमें केवल आज के बारे में नहीं सोचना, हमें दूरदर्शी होकर इस पूरे सिस्टम को बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए। जो अध्यादेश आया है, हो सकता है कि उससे कृषि उपज बढ़ जाए, मगर क्या वो सचमुच में उस किसान की मदद करेगा? नहीं करेगा। हमारे को किसान के बारे में बात करनी होगी, हमें किसान संघ से बात करना पड़ेगा, किसान यूनियन से बात करना पड़ेगा, इन सब को लेकर जब हम बात करेंगे तो उनकी दिक्कतें हमें समझ में आएगी, तभी समाधान निकल सकता है। आप समाधान की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूं, और समाधान तभी निकलेगा जब सरकार कदम आगे बढ़ाएगी, पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाने के बजाय हमारे किसानों से बात करके, उनके नेताओं से बात करके, उनकी मुश्किलों को समझकर इन चीजों का समाधान ढूंढेगी। संग्रहण के मामले में भी उनसे बात किया जाए, बिचौलियों के बारे में भी उनसे बात करके समाधान ढूंढे जाए। हम कुछ भी कह ले, हम और आप केवल बात कर सकते हैं, वो जमीनी हकीकत बताएंगे। जमीनी हकीकत तो किसान ही बताएगा, और जमीनी हकीकत सबको पता भी है, बशर्ते राजनीति ना हो, तो सबसे अहम बात यही। और हमारे साथ तुलसा राम जी भी हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे। तुलसा राम जी, अगर देखें हम तो एक सबसे अहम बात ये होती है कि जो अभी जिस चीज़ की भंडारण की बात होती है, आपने बोला कोल्ड स्टोरेज बहुत जगह होने चाहिए, आप देखें तो आज भी जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो जो पर्टिकुलर अगर एक एरिया चिन्हित हो जाए कि इस जगह सब्जी की खेती ज़्यादा होती है और इस तरीके की सब्जी की खेतियाँ यहाँ पे है, उसे चिन्हित कर कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए, जिसकी अभी कमी है, बहुत बड़ी कमी है उसकी भी। उसके अलावा एक और सबसे अहम बात यह है कि कृषि की जो तकनीक है वो आज भी, जिसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि सुधार होना चाहिए, आज भी जो कृषि है उसके अंदर हम उस तरीके की खेती को कर पाने में असमर्थ हैं, या तो हम करना नहीं चाहते
और यह हम सीखना नहीं चाहते। दूसरी बात, एक सबसे अहम बात एक और होती है कि मैं खेती क्यों करूं? अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, MBA हूं, तो मैं वहां जाकर घर पर वो खेती क्यों करूं? तो खेती को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? जी तुलसीराम जी। जी बिल्कुल, एकदम सही सवाल आपने उठाया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो आज युवा किसानों में सबसे बड़ी यही क्वेश्चन सामने आता है कि मैं खेती क्यों करूं, क्योंकि जो भी क्रॉप है आज की स्थिति ये है, उन सभी फसलों के जो बाजार में दाम मिल रहे हैं वो उसकी जो पूंजीगत लागत मिला करके अगर अपन देखेंगे तो उसकी जो मूल लागत आती है उस लागत से 80% कम भाव मिलते हैं अधिकतर समय तक। कभी कभी 10-15% ऐसे मौके आते हैं जब उस किसान को उस लागत से कुछ मुनाफा मिल पाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये तो है ही है, लेकिन जिस तरह से कुछ अगर सरकारी नीतियां सही तरीके से क्रियान्वित होती है तो उसका लाभ भी मिलता है। जैसे अपन, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि अभी सरकार ने पिछले 2-3 सालों में दलहन और तिलहन पर जो MSP है उसको थोड़ा ठीक किया है, तो उसको देखते हुए आज किसानों ने जो सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, उसकी जो समर्थन मूल्य कुछ ठीक किया, लागत के अनुसार उसको तय किया है, तो आज हम रिकॉर्ड स्तर पर तिलहन फसलों का उत्पादन करने की स्थिति में। तो किसानों की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। ऐसे ही अगर स्टेट वाइज, चूंकि आप बता रहे थे कि क्लस्टर कुछ बने सब्जियों के लिए, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कुछ सब्जियां हैं जो हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन अधिकतर सब्जियां हैं वो स्थानीय स्तर पर तैयार कर पैदा होती है, तो उन सब्जियों का विपणन अगर सही तरीके से हो और उसकी जो मूल्य है किसानों को प्रोत्साहन के लिए उसका मूल्य तय किया जाए, उसकी MRP हो और MSP हो दोनों तय हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जियों का हर स्टेट में तय होना चाहिए और मैक्सिमम रेट भी तय होनी चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं, अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊं, जब हम लोग गोभी लेकर के मंडी में जाते हैं, 5 रुपए किलो जो गोभी हमारी मंडी के अंदर बिकती है, वही गोभी अगर हम बाहर आकर के बाजार के अंदर खरीदते हैं तो वो 20 रुपए किलो मिलती है एट ए टाइम। तो निश्चित रूप से 4 गुना रेट में जब वो मंडी से बाहर आते ही सब्जी के दाम हो जाते हैं, तो उपभोक्ता को भी बहुत नुकसान होता है और किसानों को भी उसका सही दाम नहीं मिल पाता। तो ऐसे में एक जो अभी अपना सिस्टम बना हुआ है MIS मार्केट इंटरप्शन सिस्टम, तो उसके तहत अगर इसकी MSP सब्जी की और MRP तय होती है और जब दाम गिरते हैं तब भी और जब दाम बढ़ते हैं तब भी सरकार उसमें इंटरप्शन करके उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जरूरत है कि जो नीतियां बनी हुई उसका सही ढंग से क्रियान्वित होना चाहिए। अब मंडी समितियों में जहां पर न तो पक्की पर्ची मिलती है किसानों को, न उनको जो रेट तय होती है सब्जी की वो भी पता नहीं होती है। जब सुबह 4 बजे किसान सब्जी लेके मंडी में जाता है तो उसको 12 बजे तक पता चलता है कि मेरी किस भाव में बिकी है, वो पूरा राम भरोसे सिस्टम चलता है, उसमें कोई भी ऐसा तय नहीं है कि किस भाव में बिकेगी। जब उसके पास से मैं कच्ची पर्ची आती है तो पता चलता है कि मेरे को क्या रेट मिला। तो ये सिस्टम जब आप रेट तय कर देंगे तो किसानों को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा, किसान भी स्थानीय स्तर पर उस सब्जी को तैयार करने के प्रति रुचि दिखाएगा और निश्चित रूप से जो विपणन की जो एक दूरियां हैं वो कम होगी और नजदीक मार्केट में जब उत्पादनकर्ता भी नजदीक होगा मार्केट भी वही होगा और उपभोक्ता तक किसानों की सीधी पहुंच का एक यही जरिया हो सकता है। और जब तक किसान और उपभोक्ता की पहुंच नहीं बढ़ेगी, आपस में दूरियां हैं वो खत्म नहीं होगी, तब तक ये स्थिति को कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल तुलसीराम जी, एक सवाल और कि जिस तरह से किसानों के लिए सरकार एक नई नीति लेके आई थी कि अपनी फसल को कहीं भी आप बेच सकते हैं, इसका कितना फायदा आपको लगता है कि किसानों को आने वाले समय में मिलेगा और इससे क्या महंगाई रुकने में मदद मिलेगी? जी नहीं, इसमें जो आप अभी जो अपन महंगाई की बात करें, अगर सब्जी के विषय में और फल और जो फूल जल्दी खराब होने वाली जो फसलें हैं उसके विषय में देखें तो ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि लोकल मार्केट में ये चीजें ज्यादा विपणन होती है। लेकिन निश्चित रूप से जो ठोस फसलें हैं, दूसरी जो अन्य जिनसे हैं, तिलन है, दलहन है, अनाज है, धान है, उन फसलों को लेकर के किसानों को एक मानसिक स्वतंत्रता की बात इसमें जरूर है, क्योंकि मंडी के अंदर कुछ किसान जो फसल लेके जाते हैं तो कुछ व्यापारी जो निश्चित तौर पर उनका आपस में टाइप भी होता है और एक निश्चित भाव पर के ऊपर वो बोली को नहीं जाने देते हैं। तो ऐसे में एक किसानों के पास अतिरिक्त विकल्प रहेगा और APMC का भी ऑप्शन रहेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंडी के अंदर जो व्यापारी नीलामी में भाग लेते हैं उनके एक भय जरूर रहेगा कि यहाँ पर किसान को उचित भाव अगर नहीं दिया गया तो ये किसान सीधा प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक और जहाँ उपभोक्ता है वहां तक जाने की प्रयास करेगा और जहाँ अभी ये कानून ने वो दरवाजे खोले हैं। पहले भी ये व्यवस्था थी
लेकिन राजस्थान का किसान उत्तर प्रदेश में अगर फसल लेके जाता था तो उसको भी वहां जाकर के मंडी में बेचने की बाध्यता थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब राजस्थान का किसान अगर मैं हम लोग यहाँ से मूंगफली लेके जाते हैं तो सीधा सीधा अगर किसी भी स्टेट की प्रोसेसिंग यूनिट है जो सीधा उसको प्रसंस्करण करके उपभोक्ता तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है उसको हम दे सकते हैं, और किसान को अच्छा भाव अगर मिलेगा तो उसका लिए किसान कहीं ना कहीं प्रयास करेगा। तो एक जो विकल्प था उसके अलावा अतिरिक्त विकल्प खुले, निश्चित रूप से अभी जिस तरह से ये कानून दिख रहा है किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सारी चीजें वहीं आकर के रुक जाती है कि जो कानून बनते हैं कानून की क्रियान्विति। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा विषय जो आपने सुना होगा कि समर्थन मूल्य को खत्म करने के लिए ये भी एक कानून कहीं कहीं रुकावट बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एपीएमसी एक्ट के अंदर निश्चित रूप से ये लिखा हुआ है कि समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया हुआ है उस समर्थन मूल्य से नीचे अगर फसल बिकती है तो इसकी सारी की सारी जवाबदारी मंडी समिति की होगी। लेकिन देश के अंदर कोई भी ऐसी मंडी नहीं है जहां पर समर्थन मूल्य से उसकी फसल की नीलामी शुरू होती है। तो ये कानून 1955 में बना, लेकिन आज भी 75 वर्ष के बाद भी किसानों को जो कानून बना उसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है। इसी कारण आज ज्यादा किसान उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, किसानों को इसमें कोई रुचि नहीं है कि क्या कानून बन रहा है और क्या नहीं बना। किसान संगठन जब विषय रखते हैं तो निश्चित रूप से किसान उसको समझ लेते हैं कि जो ये बात कही जा रही है वही सच्चाई होगी, लेकिन हकीकत में जो चीजें प्रैक्टिकल में बन चुकी उसकी कभी क्रियान्विति नहीं हुई। आज भी मुझे लगता है अगर कोई किसान यहाँ से फसल लेकर के दूसरे स्टेट में जाएगा तो इंस्पेक्टर राज का जो प्रॉब्लम है वो आखिर वो लागू क्यों नहीं हो पाती, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रघुनंदन सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक बीजेपी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर रघुनंदन जी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के किस मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी वो बराबर कृषि के किसानों के लिए हित के लिए बराबर वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के कृषि मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी किसानों की चिंता करते हुए सदैव उस पर अपने भी विचार रखे हैं। देखिए, बिगड़ी हुई समस्या है, आप जानते हैं इसके पहले जो सरकारें थी क्या करती थी हम सब जानते हैं। आज की सरकार सजग है, आज किसानों को सम्मान मिल रहा है, किसानों के सम्मान निधि उनके खातों में पहुंच चुकी है, किसानों के लिए सब्सिडी दी जा रही है जिसमें कोई बेईमानी घटतौली कोई बीच में कहीं हेरा फेरी नहीं हो रही है, किसानों को सस्ते लोन दिए जा रहे हैं, किसानों के जो भी आधुनिक किसान हित में जो उनके काम करने के योग्य जो सामान है उनको भी दिया जा रहा है। और भारत सरकार के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब किसान का ज्यादा माल पैदा होता है तो कहीं न कहीं मंदी की समय आ जाती है, क्योंकि ज्यादा माल खपत नहीं होती मार्केट में, और तेजी तब हो जाती है जब माल कम हो जाता है तो तेजी बढ़ जाती है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होती है। लोग विपक्ष चिल्लाने लगता है, विपक्ष को सोचना चाहिए कि लगातार साल भर रहे तो महंगाई हो, लगातार साल भर रहे तो महंगाई हो, अब कोई खपत अच्छी पैदा हुई तो महीना दो महीना तीन महीना लोग विचार करते हैं, लेकिन किसान को जिसको लेना होता है देना होता है तो कहीं न कहीं वो कम दामों में अपना सामान बेचने लगता है। ये सत्य है, और ऐसा नहीं भारत सरकार से लेके प्रदेश की सरकारों को कहीं कहीं किसानों के सामान को खरीदने का तत्परता से लिया जाता है, बिचौलिया लगभग समाप्त है, और जो पकड़े जाते हैं वो जेल भी जाते हैं। तो भारत सरकार सजग है, ये कहना अलग है कि नहीं है ये नहीं हो रहा है किसान, अरे किसानों के लिए तो पहले तक बिहारी बात कही भारत बहुत कुछ कर गए थे कि गांवों की सड़कें ये बना गए थे और कहा था इनको शहरों से जोड़ दो और किसान हमारा यहाँ माल पैदा करेगा, बड़े बड़े शहरों में माल ले जाएगा। अभी कृषि मंत्री जी ने इसी तरह से जोड़ा है कि भारत का किसान जहाँ महंगा हो किस प्रदेश में महंगा हो सामान अपना वहां बेचेगा। आज की सरकार सजग है, विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, इनकी चिल्लाने की आदत है, आज ये खत्म है, ये हताश है और हताश होने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं किसान का बेटा भी रहा हूँ और शहर में भी मैं ये राजनीति कर रहा हूँ लगातार, इसलिए क्योंकि ये समय कम समय अल्प समय में आता है और अल्प समय हमें सहना पड़ेगा, हमें अल्प समय सहके ही आगे बढ़ना है,
देश का प्रधानमंत्री सबका सौ भेज रहा है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रोते रोते मर गए, क्या करूं, एक रुपया भेजता हूं, 85 खा जाते हैं, कमरा पहुंचते हैं। अब कोई कहने वाला विपक्ष का बतावे, कांग्रेस पार्टी बतावे, सपा बतावे, बसपा बतावे, देश की अन्य पार्टियां बतावे, जो ममता हो जो भी हो वो बतावे ना क्या हो रहा है। सौ का सौ जा रहा है, किसान को पूरा जा रहा है। किसान के जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे जन धन योजना से लाभ ले रहे हो, चाहे किसान भाई वृद्धा का ले रहा हो, चाहे विधवा का ले रहा हो। जी बिल्कुल रघुनंदन जी, क्योंकि समय बहुत कम है और आज जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार सरकारों के प्रयास के बाद भी बाजार में हर चीज महंगी होती जा रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। और लगातार सरकार जिस तरह से हम कहेंगे हर स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी महंगाई कम होती नहीं दिख रही है, हर तरफ महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। कोरोना के चलते कई जगह ऐसी स्थिति आई है कि करा भी क्या जाए, फिर भी ऐसा लगता है कि प्रयास होने चाहिए, क्योंकि जो खाद्यान्न है, जो जरूरी चीजें हैं, वो मंडियों तक पहुंचनी भी चाहिए और उसके लिए काला बाजारी को रोकना सबसे अहम रहेगा। क्योंकि कोरोना के समय जब लोग रोजगार से भी परेशान हैं, उसके अलावा उनमें डर भी है, और ऐसे में अगर महंगाई इसी तरह रही तो वास्तव में लोग पस्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार को तेजी से इस मामले को लेकर कदम उठाने चाहिए और विपक्ष को भी इसमें सियासत नहीं खेलनी चाहिए। आज के विषय में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, योर IT एंड सॉफ्टवेयर पार्टनर, को पावर्ड बाय H2O, H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम।